जाइगोमेटिक बोन और ऊपर से जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको एक सूचर नज़र आता है। ये कौन सा सूचर होगा? जाइगोमेटिक को या फ्रंटो जाइगोमेटिक सूचर। अच्छा, फिर उसके बाद ये आता है इंटीरियर बोनी अपर्चर। ये आपके पियर शेप्ड है, ठीक है, और ये बींग वाइड है बिलो एंड नैरो अबव। अच्छा, ये बनती किस तरह? अबव बनेगी लोअर मार्जिन ऑफ द नेजल बोन्स और बिलो बनेगी नेजल नॉचेस, ठीक है, और इंटीरियर नेजल स्पाइन से। नेजल नॉचेस किसका? ये नेजल नॉचेस मैक्सिला बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेजल बोन्स की आर्टिकुलेशन करें। इंटीरियरली नेजल बोन आर्टिकुलेट करती है पोस्टीरियर। ये नेजल बोन एक साइड की दूसरी से आर्टिकुलेट करी है एट द इंटरनेजल सूचर और पोस्टीरियरली कर रही है विद द किससे कर रही है? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ये जो ऊपर जा रहा है। फिर आ जाता है सुपीरियरली। सुपीरियरली ये करेगी फ्रंटल बोन के साथ एट द फ्रंटो नेजल सूचर और इंफीरियरली करेगी अपर नेजल कार्टिलेज के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंटीरियर नेजल स्पाइन है। ये प्रोजेक्शन इन द मीडियन प्लेन है। ये कहाँ पे होता है? पेरिफॉर्म शेप बोनी अपर्चर के फ्लोर के ऊपर। रिनियन क्या होता है? रिनियन इज़ द लोअर मोस्ट पॉइंट एट द इंटरनेजल सूचर। फिर आ जाता है आपके पास लोअर पार्ट ऑफ द फेस जिसमें मैक्सिला आता है। मैक्सिला का हमने पढ़ा है, मैक्सिला क्या क्या चीज़ें बना रही है? नेजल नॉच बना रहा है, उसके अलावा इंटीरियर नेजल स्पाइन बना रहा है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन बना रहा है, ये आपका यहाँ से टूटा वेल्व्यूलर, आज यहाँ पे इंसाइसिव फोसा बनाता है और यहाँ पे कैनाइन फोसा बनाता है। उसके बाद आ जाता है इंसाइसिव